इस सारे अरसे के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी पर्सनैलिटी भी उठ के सामने आई है। ये जो साइड हीरो है ना चाइना का, साइड किंग जिसे कहते हैं पाकिस्तान, उसके लिए तो वो तो वहां तो आज और भी मातम छा गया होगा। कारण ये है कि भाई इनका आयरन क्लैड ब्रदर चाइना पिछली औकात में वापस जा रहा है अपने, और घबरा के डर के तिल मिला के वापस जा रहा है, तो इन बेचारों का दिल तो इनका टूटा होगा। तो हमारा बढ़ता हुआ वर्चस्व है अब इसका लोहा चाइना भी मानता है। और सारी वेस्टर्न वर्ल्ड, और पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो वो जो चाइना के अगेंस्ट एक ग्लोबल नैरेटिव बनाते हैं, उसमें इंडिया ने अपना अपनी लाइन ड्रॉ करके अमेरिका के साथ खड़ा हो गया। ये बीजिंग में इतना बड़ा ब्लैकआउट नहीं होगा जितना बड़ा इस्लामाबाद में आज होगा, सच्चाई ये है। कि इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली, ये सबको पता चला है भाई, ये अब हमारे पास एक ऐसा एलाय है साउथ एशिया में जो कि हमारे साथ खड़ा होगा चाइना के अगेंस्ट। दुनिया में भारत के बढ़ते वर्चस्व के सामने ये लोग जग गए, इन्हें समझ गए इनकी औकात है। से शुरू हो गया जब चाइना अपनी सारी मशीनरी, वेपनरी और सब कुछ लेके आ गया था। ऐसा बोला जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से और चाइना की तरफ से, जर्नलिस्ट बोल रहे थे, ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं है, कि भाई इंडिया की तरफ से फेल हो रही है ये सारी की सारी। तो मैं अगर उन्हीं की बात से क्यों लूं, तो इंडिया उनकी बार बार रिजेक्ट करता चला गया डिमांड, और उसके बाद इन द एंड इंडिया की बात मानी गई तो विड्रॉल हुआ। देखिए रोहित भाई, सबसे बड़ी चीज यहां समझनी पड़ेगी कि ये भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व की कहानी है। इट इज आवर पावर फ्रक्टिफाइंग ऑन द ग्राउंड, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, जो हमारा बढ़ता हुआ वर्चस्व है अब इसका लोहा चाइना भी मानता है। अब आप बोलेंगे ये सब क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, कई सारे कारण है, डिटेल में जाएंगे, पर आज हमारी, आपके और हमारे देखने वाले सब दर्शकों की जीत है। आज उत्सव का पर्व है और हमारे दुश्मनों के लिए मुंह काला हो गया उनका, और खासकर ये जो साइड हीरो है ना चाइना का, साइड किंग जिसे कहते हैं पाकिस्तान, उसके लिए तो वो तो वहां तो आज और भी मातम छा गया होगा। कारण ये है कि भाई इनका आयरन क्लैड ब्रदर चाइना पीछे जा रहा है अपनी औकात में वापस जा रहा है अपने, और घबरा के डर के तिल मिला के वापस जा रहा है, तो इन बेचारों का दिल तो इनका टूटा होगा। बीजिंग में इतना बड़ा ब्लैकआउट नहीं होगा जितना बड़ा इस्लामाबाद में आज होगा, सच्चाई ये है। हुआ क्या था बेसिकली, एक हमारा अलेसी एक बॉर्डर है जिसे हम मानते हैं कि यहाँ बॉर्डर है, कहीं चाइना ने आज तक डिमार्केट नहीं किया, किसी एग्रीमेंट को मानता नहीं। अब इस एलएसी के आसपास बफर जोन होता है कि बफर जोन में कोई पास नहीं आएगा। तो यहाँ एक चीज क्लियर करना बहुत 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 जरूरी है, कोई माइका लाल भारत की धरती पे एक इंच कदम नहीं रख पाया है, चाहे वो चाइना हो वो पाकिस्तान हो, कोई भारत की धरती पे नहीं आया है। हमारे दर्शकों के लिए ये समझना और जानना जरूरी है। अब ये जो बफर जोन में, ये इसमें पास आ गए, जैसे ये बफर जोन में अपनी तरफ से पास आ गए, हम बफर जोन में पास आ गए, तो पांच ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स डेवलप हुए जहां हम बिल्कुल आमने सामने खड़े, 500 मीटर ये, 500 मीटर हम, तो मतलब ये जो है ये करीब एक एक किलोमीटर का फासला बीच में। तो पॉइंट अगेन टू बी क्लैरिफाइड, किसी ने भारत की जमीन पे कदम नहीं रखा है, चाइना अपने बफर जोन में आकर आ गया, हम बफर जोन में आगे आए हैं। Nobody has crossed India's border even by an inch. या एक इंच जमीन की भी चाइना के पास है नहीं, इनकी औकात नहीं है। अब आते हैं ये सब क्यों होता है। देखिए हुआ क्या, चाइना को आदत थी नेहरू के भारत की, चाइना को आदत थी कि भारत जो है भाई ये तो कमजोर है। 1962 में पंडित नेहरू ने बोला था कि भाई हम चाहे हिंदू ची हिंदी चीनी भाई में पीछे से छुरी घुसाई, ये चाइना की प्रवृत्ति है। हमारे पास 1962 में एयरपोर्ट यूज करने का विकल्प था, हमने किया नहीं किया। जब तिब्बत में, जब चाइना तिब्बत में ये चढ़ाई कर रहा था, राशन कहाँ से जा रहा था रोहित भाई, कभी पता कीजिएगा, हैरान हो जाएंगे लोग जान के, राशन कहाँ से जा रहा था। और सिक्योरिटी काउंसिल की सीट हमने छोड़ी, चाइना ने छीनी नहीं, हमने छोड़ दी, ये तो सब जानते हैं। और ये जो अक्साई चीन का हिस्सा हमने दे दिया उनको, तो उन्हें लगा यार ये तो बहुत कमजोर सा मुल्क है, इनको डराएंगे धमकाएंगे काम हो जाएगा। और अभी मोदी जी से पहले यूपीए की सरकार थी, ए के एंथनी साहब ने पार्लियामेंट में कहा था, यूपी के डिफेंस मिनिस्टर, बिल्डिंग नो रोड्स टू चाइना इज द ओनली डिफेंस टू चाइना। आज देखिए मोदी जी का भारत है, पेगोंग सो तक रोड है रोहित भाई, पेगोंग सो तक मल्टी कम्बैट व्हीकल्स डाले हमने, अभी स्वर्ण ड्रोन डाला जो लास्ट बार हमें गलवान में उन्होंने थोड़ा चौंकाया था, सरप्राइज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, उसको काउंटर काउंट हमने काउंटर किया। अभी हमने मल्टी कॉम्बैट वो जो कहते हैं इनको बोट्स हमने डाली पेगोंग सो में। अब ये जो भारत है, देखिए पेंडेमिक हुआ भारत में, इफेक्ट हुआ सब जगह हुआ, चाइना को लगा यार ये अच्छा मौका है, मोदी जी को दबा लेते हैं, भारत को दबा लेते हैं, नहीं तो पेंडेमिक के बीच में ये हमाकत और हरकत करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें लगा भारत वीक है, भारत जब डरा नहीं। पर देखिए यहाँ बहुत से ऐसे डूम्सडे एम्बेसडर हैं, बहुत से ऐसे ग्रेट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा इंडिया, अरे आप पीएलए का 4 दिन में सामना नहीं कर सकते, 4 दिन में तो पीएलए दिल्ली तक आ जाएगी, 7 दिन में एमपी तक चली जाएगी, आज वो देश से माफी मांगेंगे क्या? लाइए वो, कहा है वो लोग जिन्होंने देश को डराने धमकाने की कोशिश की थी। यहाँ हमारे अपने ही लोग ऐसे हैं, यहाँ एक सज्जन ये नहीं बोले थे कि 15 साल लगेंगे वैक्सीन बनने में, एक और साइंटिस्ट है
उन्होंने बोला था 15 साल लगेंगे, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, नाम आप समझ गए होंगे, उन्होंने बोला 15 साल लगेंगे लोगों वैक्सीन लगाने में, 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाए, आज ही मेरे मोबाइल पैसे में आया। अब ये जो बढ़ता हुआ भारत है, इसने चाइना की कमर तोड़ दी, चाइना का परसेप्शन की जो माउंटेन चाइना ने बनाई थी, भाई हमारे आगे कोई खड़ा नहीं होता, हम इतने शक्तिशाली है, हमारे पास इतनी टोप है, इतना टैंक, इतना असला, इतना बारूद, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया, दैट मिथ हैज बीन शैटर्ड। मोदी जी तो लद्दाख की धरती पे खड़े होके बोले थे हम यहाँ हैं और कोई माई का लाल यहाँ कदम नहीं रख सकता, बोला था हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, जिसने हमें बांसुरी बजाना तो सिखा देते हैं, पर उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र भी, मेरे वर्ड नहीं है, मोदी जी के वर्ड है, और सुदर्शन चक्र से घातक हथियार कोई होता नहीं, भगवान कृष्ण के वंशज है, बांसुरी बनाना, प्यार की बांसुरी बजाना जानते हैं, तो सुदर्शन चक्र जाना चलाना भी जानते हैं। अब चाइना ने क्या कि अगर आज चाइना पीछे पोजिशन से पीछे जा रहा, क्यों जा रहा रोहित भाई? देखो दे आर लीविंग द पोजिशन, इज नॉट दे डोंट वांट टू लीव बिकॉज दे कैन नॉट सस्टेन इट, आज वो इस पोजिशन को सस्टेन नहीं कर पा रहा। अब चाइना ने क्या चाल चली, चाइना ने कहा यार मैं पोजिशन वोशन बना लेता हूँ, देखता हूँ भारत क्या करता है, हो सकता मोदी जी डर जाए, हो सकता भारत डर जाए, वैसे काम हो जाएगा। भाई डरा के काम करना है तो लड़ने बढ़ने की क्या जरूरत है? पहले हमने अपनी हिम्मत दिखाई, हमने अपनी मेरा डिप्लॉयमेंट की, हमने हमने हथियार लगाए, एयरक्राफ्ट लगाए, इस दौरान राजनाथ जी गए थे रशिया और वहां से जो भी हमें एएमसी वीएमसी लेनी थी सारी ले गई, हमारे पास S-400 भी है, अब उनके पास क्या S-250, आज हमारे पास राफेल है, चिनूक है, सुखोई है, BrahMos-30, ब्रह्मोस लगा है हर चीज पे, BrahMos-2 का हमने परीक्षण किया, अभी INS विराट को उतारा हमने समुन्द्र में, इसीलिए चाइनीज मीडिया की हड़कंप मच गई थी, उनकी नींदें उड़ गई थी। दुनिया में भारत के बढ़ते वर्चस्व के सामने ये लोग जग गए, इन्हें समझ गए इनकी औकात है नहीं, इनकी औकात तो अमेरिका ने नाप दी थी पेलोसी के प्लेन से, 3-4 डेलीगेशन भेज ली, क्या कर लिया इन्होंने, हम चाइना के सामने खड़े और दुनिया हमारे पीछे खड़ी है, सबसे पहले एप बैन हमने किया, सबसे पहले चाइना को डायरेक्टली हमने चुनौती दी, ये हिम्मत आज मैं बड़े कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं, जो हमने हिम्मत दिखाई ये हिम्मत तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी नहीं थी, अमेरिका कंफर्म नहीं करता था चाइना को डायरेक्टली, ये चीजें हमने करके दिखाई है, जब चाइना को लगा ये भारत झुक नहीं सकता, इसको झुका नहीं पाएंगे, ये डर नहीं रहा, ये घबरा नहीं रहा, और भारत और हम हमारी पूरी जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ी है, इस बढ़ते हुए उभरते हुए भारत को देख के इनके हौसले हो गए साफ पस्त। ये इंडिया की विक्ट्री है जो इंडिया जो है somehow brought China on this point that they are disengaged, जो एंगेजमेंट शुरू हो गई या विड्रॉ कर रहे हैं जो अपने ट्रूप्स को, क्या ये इंडिया की विक्ट्री है या कि ये दोनों की विक्ट्री है या कि ये चाइना की विक्ट्री है? मेरी जाती राय तो ये है कि फॉर अ मोमेंट इंडिया को ये विक्ट्री इसलिए हुई है कि इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली, एक बात, दूसरा इंडिया ने एट होम एक नैरेटिव जनरेट किया चाइना के बारे में कि हमें चाइना से कारोबार करना है लेकिन चाइना हमारा एनिमी है। थर्ड इंडिया को ये एडवांटेज हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज चला गया कि अब इंडिया जो है वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो गया है और सारी वेस्टर्न वर्ल्ड और पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वो जो चाइना के अगेंस्ट एक ग्लोबल नैरेटिव बनाते हैं उसमें इंडिया ने अपनी लाइन ड्रॉ करके अमरीका के साथ खड़ा हो गया, ये सारी बात है, ये बहुत बड़े जो है वो एडवांटेजेस हैं। और इंडिया को ये भी एक है कि इंडिया का जो ग्लोबल स्टेटस है वो भी एलिवेट हो गया है क्योंकि सबको पता चला है भाई कि अब हमारे पास एक ऐसा एलाय है साउथ एशिया में जो कि हमारे साथ खड़ा होगा चाइना के अगेंस्ट।